हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UPSI की जो रिवाइज्ड आंसर की है आपकी कब तक आ सकती है, और फेज़ वाइज जो आपके राइट क्वेश्चन थे वो कितने रहे थे, और आपकी जो कट ऑफ है वो क्या जा सकती है, रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। और इस वीडियो के बाद आप कमेंट करके अपने मार्क्स भी मुझे बता दीजिएगा, जिससे ये पता चल जाएगी आपके जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ से ऊपर हैं या फिर कट ऑफ से नीचे हैं, ताकि मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँ कि आप ट्रेनिंग के लिए जाएँ या ना जाएँ। और एक बात और, जैसे ही UPSI का रिज़ल्ट आया है तो UPSI के जो कैंडिडेट थे उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या UPSI की जो कट ऑफ है वो भी हाई जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो UPSI की वैकेंसी है वो बहुत ज़्यादा हैं, और जो UPSI की वैकेंसी थी वो UPSI की वैकेंसी से के कंपेयर में बहुत कम है। वो 1329 वैकेंसी थी और उसके अंदर 3 कैटेगरियाँ थी, और UPSI की जो वैकेंसी है 9534 वैकेंसी है, तो इतनी कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपकी फेज़ वाइज कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि 3 फेज़ के अंदर UPSI के एग्ज़ाम हुए थे, और इन सभी की मैं कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बताने वाला हूं, और ये मेल की कट ऑफ बताने वाला हूं। इसके बाद मैं फ़ीमेल की कट ऑफ भी आपको बताऊंगा। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को समझिएगा कि किस आधार पर जो है कट ऑफ इतनी जा सकती है या इससे कम जा सकती है। ये मैंने जो है हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं, इससे जो कट ऑफ है वो कम ही जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। जैसा कि ये शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स के लिए एक कट ऑफ बनाई गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं UR के अंदर 114 से 120 लिखा हुआ है इसमें, और 116 से 122, और इसमें 116 से 123 सॉरी। तो इसमें आप मानकर चलिए कि आपका अगर तीनों का वो करेंगे तो 110 के आसपास जो है UR की कट ऑफ आपकी जा सकती है। और OBC की मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर 112 से पहले फेज के अंदर 117, फिर 113 से 118, फिर 113 से 119, यानी कि OBC के अंदर मैं बात करता हूँ अगर UR की जो कट ऑफ है वो 110 जाएगी, और जो OBC की कट ऑफ है वो 105 प्लस आपकी जा सकती है। WS की और OBC की जो कट ऑफ है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, तो मैं इसको भी 105 प्लस रख देता हूँ। लेकिन अगर फेज़ वाइज एवरेज मार्क्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 110 जो गए हैं पहले फेज में गए हैं, सेकंड फेज में 110 से 116, और थर्ड फेज में भी 110 से 116। ये जो डाटा है ये बहुत ही कम बच्चों का है, इसके अंदर बहुत से बच्चों के ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स 80 हैं, फिर 85 हैं, यानी कि 90 से उनके मार्क्स जो हैं नीचे ही हैं। तो ऐसे बहुत से कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे। अब इसके अंदर हम बात करते हैं SC की, तो SC की जो कट ऑफ है आप इसमें देख सकते हैं, ये जो एवरेज मार्क्स है 98 से 100, 99 से 102, 99 से 102। लेकिन बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो पोल क्रिएट किया जाता है उसके अंदर भाग नहीं लेते हैं, तो उसके आधार पर अगर मैं, क्योंकि ये सिर्फ 500-600 कैंडिडेट का डाटा है कैटेगरी वाइज, तो इसके अंदर हम SC की अगर कट ऑफ में आपको बताकर चलता हूँ, हम मान के चलें तो 85 प्लस आपके अगर SC में आ रहे हैं मेल में, तो आप रनिंग की तैयारी करते रहिए। और ST की जो है आप 85 प्लस ही मान लीजिए, क्योंकि SC ST की कट ऑफ में ज़्यादा जो अंतर है वो नहीं रहता। हाँ, एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है आपकी, अगर आपका क्राइटेरिया फुलफिल है तो आप दौड़ के लिए जा सकते हैं, और फ्रीडम फाइटर के लिए भी अगर आपका क्राइटेरिया फुलफिल है और आपके 80 मार्क्स हैं तो आप इजीली
जो हैं ट्रेनिंग के लिए बुलाए जाएंगे। तो ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है, ये सब फेज वाइज मार्क्स के आधार पर जो है मैंने बताई है आपको। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यूआर के लिए 110 है और ओबीसी के लिए 105 प्लस, और वैसे ही ईडब्ल्यूएस के लिए जो है ओबीसी के बराबर ही जाएगी, और एससी के लिए मैं आपको बता चुका हूँ 85 प्लस, एसटी के लिए आप 85 मान लीजिए, और बाकी जो दो हैं फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए अगर आपने सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर दिए हैं तो आप ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। क्राइटेरिया के बारे में आप सभी को पता है कि हर सेक्शन जो है 40-40 मार्क्स का था, और आपको उसके अंदर से 40 उसके अंदर क्वेश्चन थे, और आपको सभी को पता है कि आपको उसमें से 35% सवाल सोल्व करने थे, यानी कि 14-14 मार्क्स आपको जो है सभी में लाने थे, और ओवरऑल आपको 200 मार्क्स लाने ही थे 400 में से। तो ये आपका क्राइटेरिया, अगर ये आपका फुलफिल है इन नीचे वाली तीन कैटेगरी में, तो आप ट्रेनिंग के लिए तैयारी कर सकते हैं। एससी की अगर बात करते हैं तो क्राइटेरिया से अगर आपके 5-7 सवाल जो हैं ज़्यादा हैं, तो आप ट्रेनिंग की तैयारी करते रहिए। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, ये आप देख सकते हैं ये फीमेल कैंडिडेट की है, ये भी मैंने फेज़ वाइज मार्क्स के यानी कि क्वेश्चन के आधार पर आपको बताया है कि इसके अंदर 160 सवाल थे और किस फेज़ के अंदर कितने क्वेश्चन आपके राइट हैं, उस हिसाब से मैंने इसको बताया है। इसमें भी आप देख सकते हैं फेज़ फर्स्ट में जो यूआर के सवाल ठीक हैं वो 98 से 105 और 100 से 105, 102 से 107। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये डाटा जो है ये बहुत कम कैंडिडेट का है, इसलिए मैं कट ऑफ को फेज़ वाइज जो मार्क्स जो आपके क्वेश्चन ठीक हुए हैं उससे कम बता रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा अच्छे से। जैसे कि यूआर के लिए इसमें जा सकती है 100 के करीब, और ओबीसी में इसमें जा सकती है 95, और एक्स सर्विसमैन और ओबीसी के लिए इसके अंदर सेम ही जाएगी, और एससी एसटी के लिए जो है अगर आपने क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया है और आपके 80+ मार्क्स हैं तो आप ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। ये जो हैं ये फेज़ वाइज आपके क्वेश्चन जो हैं राइट हैं उस हिसाब से, और ये जो मैंने आपको बताई है ये आपकी कट ऑफ रह सकती है। अगर मैं बात करता हूँ रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट बहुत डिले हो चुका है, बहुत सारी वीडियो भी बन चुकी हैं इसके ऊपर, लेकिन अभी तक भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि रिजल्ट आपका कब आएगा, लेकिन हाँ ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही दिन में आपकी जो है रिवाइज आंसर की जो है रिवाइज आंसर की आपकी जो है अपलोड कर दी जाएगी। तो आप अपनी जो ट्रेनिंग पर फोकस रखिए, और आपको पता ही है कि लिस्ट फर्स्ट में 20,000 कैंडिडेट को रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो आप अपनी ट्रेनिंग को अच्छा रखिए, और अगर आप चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।